सो गाइस आज ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। मैं तो बोला गुड्डी भाई व्लॉग बना ले। यस किस चीज से बनाओ है ही नहीं कुछ सच में। हां बनाओ थक कहां बना लो मैं बोल रहा हूं बना। मर्सी तू बना छोड़। मैं व्लॉग बनाऊंगा ही नहीं व्लॉग करूंगा ही नहीं। सो गाइज जैसा आप लोग जानते हैं मुझे एक वीक हो चुका गेमिंग हाउस में आए हुए और अब मैंने सोचा मर्सी ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया और मेरे दोनों चीतों ने आदित्य और उर्वेश ने मोटिवेशन दिया कि आप ब्लॉग करो तो कर लेते हैं ब्लॉग क्या दिक्कत है। नेचुरल है हमारे अंदर वो सब करना नहीं पड़ता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बारिश हो रही है बहुत देर की रात को हम लोग बैठे थे 2 बजे तक बातें कर रहे थे प्लान बना घूमने चलते हैं तो अब निकल चुके हैं हम लोग घूमने के लिए। मैं हूँ उमंग है मर्सी है आदित्य ठाकुर है कैमरा पकड़ के और उर्वेश है। जैसे कि 2-3 दिन से थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा था आप देख रहे थे कम्युनिटी में क्या चल रहा था हमारे कुछ बंदे हक दिए थे कुछ नहीं एक बंदा हक दिया और उसके प्रति काफ़ी शोर शराबा मचाया गया तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा अपसेट काइंड ऑफ फीलिंग आ गया था तो अब सोचा है कि चलिए थोड़ा सा सबको ले जाके रिजुविनेट कराया जाए। सो गाइज थोड़ी सी दुविधा हो गई थी हमारी गाड़ी 4x4 में लग गई थी उमंग जी से ऊपर चढ़ाते समय हाँ तो गाड़ी में अभी उमंग जी को ना हमको आता था क्योंकि हमारे पायलट तो दिल्ली जा चुके फिक्स कराए और आगे की जर्नी देखते हैं कैसी शुरुआत में भसड़ शुरू हो चुकी है। तो गाइस हम फर्स्ट स्टॉप पे रुक चुके हैं 1 घंटा हमको 45 मिनट्स हो गए अब डलवा रहे हैं गाड़ी में डीजल और डीजल डलवाने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा लोनावला पक्का यस। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है मर्सी बताइए मर्सी बताइए हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो हमें अभी तक पता नहीं है। नहीं पता है पता है लेकिन फिक्स नहीं है फिक्स नहीं है फिक्स वो जगह वो भी बताइए भगवान भरोसे है क्योंकि हम लोग फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहे हम किसी नॉर्मल होटल में जा नहीं रहे कन्वेंशनल होटल में नॉर्मल हम लोग वो थोड़ा लोनावला से 1/2 घंटा 1 घंटा ऑफ ट्रैक ऑफ बीट होटल है जंगलों में जाके मतलब गाड़ी से उतरो मास्क लगा लो गाड़ी में बैठो मास्क ये वाला फेंक दो वापस जब उतरेंगे नया ले लेना। एक मुझे बात याद आया याद नहीं मतलब सोचने का आया कि आपको लोगों को बता दूं दिल्ली से लेके मुंबई तक सिर्फ मेरी गेमिंग हाउस हमारे गेमिंग हाउस तक पहुंचने के बाद आज गाड़ी निकल रही है और ये हमारा 3री बार टैंक फुल हो रहा है 7,000-6,800 का ये है अभी तक दिल्ली से यहाँ तक जर्नी में लगा था 2 टैंक और 3रा टैंक अब चालू है देखते हैं अब कितने दिन चलता है। गाइस जैसे हम 2 साल से रेगुलरली लोनावाला जाते हैं ये दुकान पे ज़रूर रुकते हैं ये दुकान पे क्या लेने के लिए इस दुकान पे 2 साल से रुकते आए हैं लोनावाला में वो अभी आपको मर्सी बताएंगे। ऐसा चिप्स उमंग इसको बोलते हैं कुछ फुग्गू फुग्गू ऐसे करके फुग्गू हमने नाम दिया फुग्गू हमने नाम दिया फुग्गू मसालचा ऐसा पूरा मत ले कोई और ले ले ऐसा लंबा होता है उसकी तरह समझ रहे हो वो जो सुबह सुबह उसकी तरह होता है किसकी तरह बाबा कुटा बाबा चिप्स होता है ये गाइस ये लेते हैं हालांकि अब इस पे कमेंट सेक्शन में बकचोदी मत करना हमको मजा आता है खाने में तो और ये साला एक बार खुलने के बाद पूरा पैकेट ही खत्म होता है तब मुंह को लग जाता है मर्जी 5 उंगली में फंसा ले बच्चा जैसा धर्म संकट हो गया एक मर्सी क्यों वो बंदा फोन नहीं उठा रहा है अब हम लोनावाला पहुंच गए और भटक रहे हैं अब वो रेगुलर प्रॉपर्टीज में रुकना नहीं है 17 कॉल कर दिए अभी तक इतना कौन सोता है बे 7:30 बजे लोग को शेड्यूल का समझ नहीं आया कि 7 बज रहा है इतना बजे तुम लोग जाग जाते हो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग के दिमाग में 4 बजे भी प्लेन आ सकता है हां और गैस तो कभी भी आ सकते हैं उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की हां जल्दी पहुंच के हम अर्ली मनी भी देंगे उनको एक दिन का एक्स्ट्रा इतना बड़ा न्यूज चैनल का रिपोर्टर आ रहा है मगर वो है वो तो वो है वो है वो है और मर्सी का पैनल पे डिस्कशन किया जाएगा मर्सी इस बारे में हम अपने संवाददाता मर्सी को सीनियर संवाददाता कॉरेस्पॉन्डेंट मर्सी को बता रहे हैं मीडिया हाउस के ओनर हैं वो बोल रहे हैं हम
ये चीज का हम लोग पूरा इस पे जोरदार डिस्कशन करेंगे। yes, बिल्कुल किसी चीज, एक तो वो लोकेशन तो लोकेशन तो है ही, वो तो मगर उससे ज्यादा खूबसूरत है इला, जो इला से हम लोग मिलने जा रहे हैं ना वो है जो मैटर करता है। अब इला से जो मिलने जा रहे हैं वो क्या है, अगर वहाँ रूम मिल गया तो हम आपको बताएंगे, नहीं मिला तो भी फिर हम बाद में बताएंगे। बाकी जो आपने आदि ने बताया कि पुराने फैंस जानते हैं कौन है इला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इला एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, पूरी है, अब वो कौन पूरी है, मेरा और मर्सी का दोनों का दिल आ गया था, आ गया है और हम जब तक जा सकेंगे उससे मिलने जाएंगे। ठीक है पायलट, आप क्या बोलना चाहेंगे? इला एक अलग अटैचमेंट हो गया था उसके साथ, क्योंकि रात भर वहाँ पे था, जब जब जो भी बाहर जा रहा था उसके साथ बाहर घूमता था जी, वो अंदर पहुँचता था बराबर, तो वो अंदर छोड़ के फिर वो अपना काम पे लग जाता बराबर, लेकिन जो भी बाहर अगर कोई दिख गया तो वो बाहर रहता था बराबर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कैमरा में लाइट पे फोकस करके सामने, 7:15 हो चुके हैं, आधा घंटा थोड़ा जंगली रास्ता है वो, उसके हम ड्रोन फुटेजेस भी देंगे देंगे रहे ना रहे ड्रोन फुटेज हम लोग देंगे, वहाँ रूम मिले ना मिले हम लोग आपको लोकेशन भी बताएंगे, पूरा व्यू दिखा देंगे ड्रोन से, पूरा व्यू दिखा देंगे। यस अभी सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, अभी सिनेमैटिक्स देखिए। फिंगर्स क्रॉस गाइस, रूम मिल जाए, पहुंचने वाले हैं और ये सीट बेल्ट की आवाज भी हो रही है, क्या लगता है मिलेगा रूम, देखते हैं, नहीं तो जर्नी तो आपके साथ है ही। अब तक के लिए नहीं, आज जाएंगे दूसरा आएंगे अभी। अच्छा मतलब अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी अवेलेबिलिटी नहीं। और कोई यहाँ प्रॉपर्टी है आसपास? आसपास अभी वो साइड में देखना पड़ेगा। बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, मेरी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इला किधर है? वो छोड़ो डिसअपॉइंटमेंट, गाड़ी को गाड़ी को घुमाना है, इला को मिल लेता। इला इधर से मिलने आए थे, अब अभी सब प्लान कैंसिल, अभी फिर से आएंगे, याद है इसको। सो गाइस ये प्रॉपर्टी थी लेक साइड, और प्रॉपर्टी का तो क्या था, मेन थी वो इलाज जिसके साथ हम लोग खेलने के लिए और थोड़ा माइंड रिलैक्स करने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे रूम ही नहीं है, तो डिसअपॉइंटेड है बट नेवर माइंड, यहाँ नहीं तो कहीं और से, बट दोबारा ज़रूर आएंगे इला से मिलने और आप लोगों को मिलवा दें। टी ब्रेक बिफोर एग्जिटिंग लोना वाला, हमारे संवाददाता उठ चुके हैं और इनको पता चला कि हम लोग होटल ही घर जा रहे हैं। यस तो ही एग्रीड विद आवर डिसीजन, भीड़ में संवाददाता भी नहीं रुकना चाहते थे। यस तो चाय, वड़ा पाव और क्या बोलते हैं इसको, भज्जी, भजिया, भज्जी पाव के लिए रुके थे, तो अभी एक डिस्कशन हो रहा था। तो मर्सी का एक छोटा सा वो था कि लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि अभी कोई बेचारे एक छोटा बच्चा कुछ मांगने आया था, वो हंग्री पैसे मांगने, तो हमने उनको जो भी वड़ा पाव सब ले के दिया, तो मर्सी बोला लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि हर रास्ते पे ऐसे जो बच्चा मिलता जाएगा जो भी जिसको मदद चाहिए होगी उसको 500 रुपये 1000 रुपये देता चलो सीधा सीधा, इतना लाइफ में पैसा कमाना है, तो बड़ा अच्छा थॉट था। तो उसके बाद ये आदित्य ने कुछ कमेंट किया, उसके बाद और एक थॉट आया कि एक आदि नाम का लड़का है गेमिंग आस में, हम लोग वही सोच रहे थे कि 4-5 साल बाद कभी हम लोग रास्ते में जा रहे होंगे फिर दिखेंगे, अरे भाई ये तो हमारा आदि था, इसको तो फायर कर दिया था 4 साल पहले, ऐसे ही बैलून बेचता वही वही फिर आदि आदि आएगा, मर्सी भैया आ गए आ गए, तो हम सबसे पहले इसको कंबल देंगे खाना पीना खिलाएंगे, वही हम लोग वही स्क्रिप्ट अच्छा लिख रहे हैं, वी फाउंड आवर ओल्ड आदि मैगी मैगी, और ये इसका हम लोग कंटेंट बना भी लिए, 4 साल बाद आपको दिखेगा, वी फाउंड आवर ओल्ड आदि आदि दोजी गॉड
कोई बच्चा ऐसे सड़क पे रात को सोता दिखे तो प्लीज एक बार चेक कर लें, आदि तो नहीं है। तो गाइस चेंज इन प्लान, बोल दे प्लान अब क्या करें। प्लान है सूत्रों के अनुसार, देखिए मेरा एक पर्पस स्ट्रेट था कि मैं यहाँ आऊंगा तो ये बात श्योर थी कि हम लोग रुकेंगे एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में, अगर मिलती है तो। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब पूरी प्रॉपर्टी में सिर्फ हम लोग हो और स्टाफ हो जो पुराना। टू माय सरप्राइज, टू आर सरप्राइज इनफैक्ट, सबको हैरानी ये हो रही है सुन के। क्या हैरानी हुई है अपने को? सूत्रों के अनुसार, सूत्रों नहीं फैक्ट्स के अनुसार, फैक्ट्स के अनुसार ये टाइम पे वीकेंड पे सब जगह पे टोटली सोल्ड आउट है। प्रीमियम प्रॉपर्टीज जहाँ पे 20,000-25,000 रुपए का कमरा है, इट्स सोल्ड आउट। तो क्या समझ में आ रहा है कि कोविड का लोगों को अब जीरो एफ्स गिवन है। आई थिंक मोस्टली तो सबके वैक्सीनेशन भी हो ही हो गए, तो वैक्सीनेशन से अश्वत्थामा थोड़ी हो गए, अश्वत्थामा तो नहीं हो गए पर वो लोग को वही हो गया, वैक्सीनेशन हो गए चलो घूम लेते हैं। नहीं खुद पे टारगेट क्यों हो रहा है, हम तो भाई एक दिमाग में डाल के आए थे इंडिविजुअली रहना है, ये इंडिविजुअली अकेले रहेंगे एक, मगर ठीक है इसमें टारगेट वाला कोई बात नहीं है। अब ये डिसाइड किया है कि अब रूम मिलेगा भी तो नहीं रुकेंगे इतनी भीड़ में, तो मेरा बस का है नहीं। मेरे को ऐसी फोबिया है जब से कोविड हुआ है, लोगों को देख के मेरे को ऐसे ही डर लगता है भीड़ को देख के। ठीक है चलो अच्छी बात है, एक सेफ ड्राइव हो गया, इला से मिल लिए और क्या चाहिए। क्यों खुला मौसम मिल गया, खुला मौसम मिल गया बहुत दिनों बाद, ओपन स्काईज एंड नेचुरल फ्रेश एयर मिल गया। अ फ्यू इंचेस लेटर, एक बहुत भयंकर ब्रेकिंग न्यूज, बहुत भयंकर। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग वापस पनवेल पहुंचने वाले हैं। 11 बज रहे हैं, टाइम दिखा दीजिए कैमरामैन। यस 11 बज रहे हैं, पनवेल पहुंचने वाले हैं। 10 मिनट में हम लोग अपने गेमिंग हाउस पहुंचने वाले हैं, 15 मिनट में। कि पहले तो हमारे एडिटर नंबर 1 जिसको छूट, जो एज में बड़े एडिटर है आदित्य ठाकुर, वो बताते हैं कि उनको एक लोकेशन पता थी, क्योंकि अभी यहाँ पर आके हमने चेक करी, बहुत जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, रिवर साइड प्रॉपर्टी थी और खाली भी थी और बहुत अच्छी थी। तो वो आदित्य जी ने अभी बताया हमको, आधे रास्ते पहुँचे और उनसे भी महारत हमारे शामिल की है एडिटर नंबर 2 कि उनके मामा जी का बंगलो था बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में लोनावला में, वो बंगलो उर्वेश जी ने अभी हमको बताया कि खाली पड़ा है और आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, केयर टेकर भी आपका पूरा ध्यान रख लिया जाएगा एंड आपको वहाँ पे किसी से जो है मिलने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको वो नहीं करेगा, गेटेड बंगलो है, इंडिविजुअल बंगलो जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मैच कर रहा था। तो बहुत ही निराशा के साथ हमको अब कहना पड़ रहा है कि आज की यूथ, आज की जनरेशन जिस तरह की सोच मेंटालिटी के साथ जिंदगी जी रही है, हम लोग और अभी हमारे हमारे सीनियर संवाददाता मर्सी जी ने बोला कि हम वापस चलते हैं, वही अभी हम लोग को वही सोच रहे हैं वापस से सिनेमैटिक। आपको शर्म आया? तो ये यूथ जो है आज की बहुत माइक ले, ये यूथ जो है आज की बहुत ज्यादा समस्या वाली अब जो है पीढ़ी आ चुकी है, इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। साथ साथ हमारे सीनियर संवाददाता भी सो गए कि ब्लॉक्ड लोनावला डे ट्रिप ये हमने इतना अच्छा टाइटल सोचा था और अब हम जब से लोनावला से निकले हम सिर्फ टाइटल ही सोच रहे हैं और अभी ब्लॉग बन नहीं पा रहा, ब्लॉग बन नहीं पा रहा। अब ये ब्लॉग जाएगा कैसे गोली में, क्योंकि मर्सी उनको दिखाइए, उनको दिखाइए, हम इमोशनल हो रहे हैं। इनके कहने पे सीनियर संवाददाता के कहने पे मैंने ब्लॉग किया और पूरा ब्लॉग फेल हुआ, इतना अच्छा टाइटल, वो टाइटल पूरा हिट जो है कुछ फेल नहीं हुआ, हम पकड़ कुछ फेल नहीं हुआ गाइस, ये ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे गाइस। हम लोग दोबारा से बेशरम जैसे सब निकल चुके हैं। मैं तो बोलता हम लोग उतर जाए क्या, मर्सी स्ट्रगल कर रहा है गाइस। चलिए उमंग दो ओपी ड्राइवर, हम लोग